नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ मंडल है और मुझे सिविल सेवा परीक्षा 2018 में 58वां रैंक प्राप्त हुआ है। मैं आज यहाँ डेली नॉलेज ट्रक के प्लेटफॉर्म से आपको पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में स्ट्रैटेजी बताऊंगा अपनी, और इस साल मेरे इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, दैट इज़ 325। नाउ पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, इसमें बेसिकली दो पेपर्स हैं। पहला पेपर कोर पॉलिटिकल साइंस है और दूसरा पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस है। सो पहला जो पेपर है वो मोर ऑर लेस स्टैटिक इन नेचर है और जो दूसरा पेपर है वो थोड़ा करंट ओरिएंटेड है। अब जो पेपर वन है और पेपर टू है, इसमें अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें तो पेपर वन थोड़ा सा स्टैटिक है, इसीलिए इसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो पेपर वन में मैंने क्या किया था, मैंने डॉक्टर पीयूष चौबे सर हैं उनके नोट्स फॉलो किए थे, और पेपर वन का पार्ट ए जो है दैट इज़ थियोरी पार्ट, तो थियोरी के लिए मैंने नोट्स किया था। और इसके अलावा मैं रेफरेंस के लिए कुछ बुक्स हैं जो आपको बताना चाहूँगा। और एक मैं ये बात बताना चाहूँगा दैट अगर हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सारा का सारा बुक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये सारे बुक्स जो हैं वो एकेडमिक पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। और यूपीएससी में क्योंकि हम लोगों को बहुत कम शब्दों में अपना आंसर लिखना पड़ता है, सो ज़रूरत ये है कि हम लोग सारा का सारा जो आंसर है कम लिखना है, तो हम लोग कम से कम पढ़ें। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, तो साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पहले अटैम्प्ट में मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने पढ़ा बहुत था बट चीज़ों को कंपाइल नहीं कर पाया था। तो मैं यही बोलूँगा सारे कैंडिडेट्स को कि आप उतना ही पढ़ें जितना आप डाइजेस्ट कर सके, उससे ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मैं पेपर वन और पेपर टू के बारे में आपको बुक लिस्ट और कुछ जो रिसोर्सेज हैं एक्स्ट्रा बुक लिस्ट के अलावा वो बताना चाहूँगा। पेपर वन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक बुक है ओपी गौबा, ये एक बहुत अच्छी बुक है जिसका लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप ओपी गौबा पढ़ रहे हैं तो इसको बस रेफरेंस की तरह यूज़ करें, और बेसिक मटेरियल के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट का जो भी आपको लगता हो सबसे अच्छा नोट्स है मार्केट में अवेलेबल, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर पीयूष चौबे सर के नोट्स फॉलो किए थे। फिर एक और टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने एक बुक फॉलो किया था, दैट इज़ वी आर मेहता। इसके अलावा जो आइडियोलॉजी सेक्शन है, आइडियोलॉजी सेक्शन के लिए मैंने एक बुक फॉलो किया था जो कि एंड्रयू हेवुड ने लिखा है। नाउ पेपर वन सेक्शन ए में मेरे हिसाब से जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्टैटिक इन नेचर है, और सारा का सारा पार्ट जो है वो थियरी है। तो अगर आप इन तीनों बुक्स को पढ़ रहे हैं और इसके अलावा अगर आप नोट्स कर रहे हैं तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बार बार बोलूँगा कि ये जो बुक्स मैंने लिखा है इसको आप बस रेफरेंस की तरह यूज़ करिए, और मेन मटेरियल आपने जो नोट्स पिकअप किया है आप उसको ही फॉलो करिए। अपार्ट फ्रॉम इट, फिलोसोफर्स सेक्शन के लिए मैं एक दो यूट्यूब चैनल्स का नाम बताऊँगा जो कि आप सप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ब्रॉड करने के लिए, ताकि आपका जो भी पर्टिकुलर स्कॉलर है या जो भी फिलॉसफी है उसका कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो एक चैनल है द फिलॉसफी ट्यूब। इसमें जो कई सारे थिंकर्स हैं, ज़्यादातर वेस्टर्न थिंकर्स, उनके बारे में ब्रीफ आपको 4-5 मिनट में छोटे छोटे वीडियोस मिल जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपका जो थिंकर है उनके बारे में आपको थोड़ा पता हो जाता है, और उसके अलावा उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो भी उन्होंने थियरी दिया है वो कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है। इससे आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी आसानी मिलती है। और ऐसे ही एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द स्कूल ऑफ लाइफ। नाउ ये जो YouTube दोनों चैनल्स हैं ये आपके थिंकर्स के लिए हैं, जो कि आपके पेपर वन के सेक्शन ए में काम आएंगे और पेपर टू के सेक्शन ए में भी काम आएंगे, जो सारा पेपर टू का फिलॉसफी पोर्शन है। अब मैं सेक्शन बी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में, IGP सेक्शन जिसको बोलते हैं। सो पेपर बी में जो पहले दो टॉपिक्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा हम लोग को एक्स्ट्रा क्या करने की ज़रूरत है कि हम लोग पर्सपेक्टिव को पहले से समझ के एक अलग से पेज में लिख लेंगे, ताकि हम लोग को एग्जामिनेशन में दोबारा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। और जो IGP सेक्शन है, दैट इज़ इंडियन पॉलिटी सेक्शन, उसके लिए मेरे हिसाब से जो हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं GS में उतना सफिशियंट होता है। बट कुछ स्कॉलरली ओपिनियंस और कुछ अलग से फैक्ट जानने के लिए अगर आप लोग चाहें तो एक बुक है BL फाड़िया, आप ये बुक रेफर कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सेक्शन के लिए। और BL फाड़िया जो बुक है उसमें आपको बाकी सारे जो टॉपिक्स है, कास्ट, रिलीजन, एथनीसिटी एंड अदर टॉपिक्स जो हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स इसमें मोर और लेस कवर अप हो जाते हैं। एक मेरी सलाह बस आप सभी से ये चीज़ है कि अगर आप इस सेक्शन में डील कर रहे हैं तो सारा का सारा आपका जो मेहनत है वो पढ़ने में नहीं जाना चाहिए। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं, दैट सारे के सारे न्यूज़पेपर में हफ्ते में एक दिन बुक रिव्यूज़ आते हैं। सो अगर जो लास्ट के तीन टॉपिक्स हैं सेक्शन बी में, उसमें कास्ट, रिलीजन, एथनीसिटी एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया है, इन सारे टॉपिक्स के लिए जो भी नया रिसर्च हो रहा है इंडिया में, तो कुछ बुक्स और उनके बुक रिव्यू आप बस अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए, ताकि आपका जो आंसर है वो फ्रेश हो जाए। एंड बिलीव मी, ये जो एक्स्ट्रा आप काम करते हैं आधे और एक मार्क्स के लिए, क्यूमुलेटिव सेंस में यही मार्क्स आपको एक एज प्रोवाइड करता है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नाउ अब हम लोग शुरू करते हैं पेपर 2। पेपर 2 जो है, पेपर 2 सारा का सारा इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ डील करता है, और इसमें शुरू में सेक्शन ए में एक छोटा सा सेक्शन है, दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत ही सिंपल है, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से बस जो इंस्टीट्यूट के नोट्स में दिया रहता है उतना सफिशियंट होता है, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से हार्डली एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए एडवाइजेबल नहीं है कि आप नई नई बुक्स पढ़ें। आप नोट्स कर ले, या अगर आप कुछ और फॉलो करना चाहते हैं तो इग्नू के मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, आप वो फॉलो कर सकते हैं। नाउ सेक्शन ए में, पेपर 2 के सेक्शन ए और सेक्शन बी में हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं, दैट ये जो पोर्शन है ये सारा का सारा डायनेमिक है, स्पेशली सेक्शन बी। तो डायनेमिक सेक्शन को डील करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, दैट जो नोट्स हैं, नोट्स में आपको थोड़ा स्टैटिक पार्ट जो है वो मिल जाएगा, और स्टैटिक पार्ट के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, मगर ये आपको काम कब करना है, प्रीलिम्स के बाद। प्रीलिम्स के पहले एक न्यूज़पेपर अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो वो सफिशियंट होता है। बस उसमें यही काम करिए कि जो उसमें वर्ल्ड वाला सेक्शन है, और जो एडिटोरियल में कोई IR का इशू डील होता है, तो उसको आप डिटेल में पढ़ के उसको समझने की कोशिश करिए। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर सेक्शन ए में हम थियोरी की बात करें, तो थियोरी के लिए एक बुक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्री हेगुड। ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्री हेगुड मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी बुक है एज फार एज थियोरी इज कंसर्न। नाउ इससे जो थियोरी का सारा पार्ट है वो आपका कवर अप हो जाएगा, और नोट्स के लिए मैंने डॉक्टर पीयूष चौबे सर का नोट्स फॉलो किया था, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो सेक्शन बी है इसके लिए आप 2 न्यूज़पेपर फॉलो करिए। 2 न्यूज़पेपर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें कई सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो द हिंदू में नहीं लिखते हैं, कई सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो द इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं और द हिंदू में नहीं लिखते। तो इसीलिए ज़रूरत यह है कि हम लोग सारे के सारे स्कॉलरली ओपिनियंस जानने के लिए दोनों न्यूज़पेपर पढ़ें, और दोनों में न्यूज़पेपर में जो भी स्कॉलरली ओपिनियंस आ रहे हैं, रीसेंट इनिशिएटिव्स या रीसेंट जो भी IR में हैपनिंग्स हो रहे हैं, उन सबको हम उठा के बस अपने नोट्स में ही अपडेट करते जाएं। सो इसके अलावा सेक्शन बी में 2 न्यूज़पेपर और कुछ एक आध YouTube चैनल्स इसमें भी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, प्लस देर आर ऑल्सो फ्यू वेबसाइट्स जो कि आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए रेफर कर सकते हैं। अगर मैं YouTube चैनल की बात करूं तो एक चैनल है नाउ दिस वर्ल्ड से फ़ायदा क्या होता है कि इसके वीडियो छोटे छोटे 4-5 मिनट्स के होते हैं, और जो करंट हैपनिंग्स जितने भी हैं वो सारे इससे कवर्ड अप हो जाते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम लोग बात करें तो कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे ORF, ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन, एक ईटसा है IDSA, एक ICW है, इंडियन काउंसिल फॉर
वर्ल्ड अफेयर्स। सो अगर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको नोट्स में लगे कि ये कम दिया हुआ है और इतने से एग्जामिनेशन में काम नहीं चलेगा, सो यू कैन रेफर टू दीज वेबसाइट्स, और इसमें से आप एक कोई भी बढ़िया सा आर्टिकल उठाइए और उस आर्टिकल को पढ़ के सारा का सारा जो आपका नोट्स है उसमें सप्लीमेंट कर दीजिए। आई एम रिपीटिंग अगेन कि आपको जो भी एडिशन करना है, आप हर चीज़ के लिए अलग से नोट्स नहीं बनाइए, आप अपने नोट्स में ही इन सारे चीज़ों को अपडेट करते जाइए ताकि आपका नोट्स का प्रोलिफरेशन ना हो। आपके नोट्स हमेशा कंसोलिडेटेड और एक ही होने चाहिए। इसके अलावा मेरी कैंडिडेट से बस एक सलाह है दैट आप कभी भी कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करिए, और पॉलिटिकल साइंस का नेचर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या चीज़ करने की ज़रूरत है दैट इज़ अगर आपको कुछ करना है, मेहनत करनी है किसी चीज़ पे, तो अपने अंडरस्टैंडिंग पे करिए। मैंने आपको बताया मैंने बुक्स का यूज़ बहुत कम किया है, सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए किया है, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स, कुछ वेबसाइट्स जो मैंने मेंशन किया है, इन सभी को ज्यूडिशियसली यूटिलाइज करिए। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि शुरू से हैबिट डालिए सेलेक्टिव रीडिंग की, बिकॉज हर चीज़ को कम्प्लीटली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हर चीज़ को पार्शियली पढ़िए ताकि आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसको फुलफिल करने के लिए। हर बुक आपको एंड टू एंड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि सब लोग पूछते हैं कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, जो आपको बताया बस इतना ही किया। सारा के सारा जो मैंने काम किया वो ऑर्डिनरी चीज़ें ही हैं, बट ऑर्डिनरी चीज़ों को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली करिए, यही आप अपने तरफ से कर सकते हैं। एग्जामिनेशन के पहले अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो 300 तक तो आपको मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं, बट फॉर दोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स व्हाट वी कैन डू इज हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए दैट जो सारे के सारे स्कॉलर्स हैं उनके बुक्स हैं और स्कॉलरली ओपिनियंस हैं उसको हम लोगों को लिखना है एग्जामिनेशन पेपर में। फॉर दैट आप एक शॉर्ट नोट सारे के सारे टॉपिक्स का प्रिपेयर कर लीजिए, जिसको आप एग्जामिनेशन के पहले 4 से 5 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकें। और इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट, जो स्कॉलर ने कॉन्सेप्ट दिया है वो, और इसके अलावा जो बुक का नाम है वो, इसके अलावा आप अपने शॉर्ट नोट्स में कुछ भी मत लिखिए। सो दैट इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि एग्जामिनेशन में अगर आप इनको लिख पाएंगे तो आपको वो जो एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स है, आधा और एक मार्क्स, वो आपको हर एक क्वेश्चन में मिलता जाएगा, जिसके चलते क्यूमुलेटिवली कम से कम 20 से 25 मार्क्स का फ़र्क आ जाता है पूरे के पूरे पेपर में। नाउ सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करना चाहूँगा अबाउट आंसर राइटिंग। अगर मैं ये कहना चाहूँगा किसी कैंडिडेट को पूरी मेहनत करनी है तो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप फैक्ट्स फ्रॉम हेयर एंड देयर, आप मेहनत जो है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे करिए, बिकॉज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपकी जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और उतना अच्छा आंसर लिख पाएंगे। हो सकता है किसी भी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन कम हो, बट अगर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्ट्रांग है तो आप उस कम इन्फॉर्मेशन में भी एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। नाउ एक जनरल फॉर्मेट हम लोग आंसर का डिस्कस कर सकते हैं। फॉर पॉलिटिकल साइंस एक आंसर में 3 एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंट्रो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। हम लोग को एक जनरल रूल बना लेना चाहिए दैट इन एवरी क्वेश्चन वी हैव टू मेंशन एटलीस्ट 2 स्कॉलर्स। सो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन किसी भी क्वेश्चन में कर रहे हैं तो डिस्पाइट इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन और इट इज नॉट, हम लोग को शुरू में इंट्रोडक्शन में कम से कम एक स्कॉलर और एक थियरी ज़रूर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई लोग ये पूछते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन में जीएस और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में क्या फ़र्क होगा। सो नाउ इन जीएस हम लोग को स्कॉलर और उनकी ओपिनियंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट अगर हम लोग ऑप्शनल का लिख रहे हैं इफ़ वी आर राइटिंग अबाउट इंडो जापान रिलेशंस, तो इंडो जापान रिलेशन में जो भी थियरी हमने पेपर 2 के पार्ट ए में पढ़ा है उसमें एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हम लोग इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम लोगों ने एक थियरी से शुरू किया है और एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है तो हम लोग को ये भी कोशिश कर सकते हैं दैट वी स्टार्ट आर आंसर विथ एनी कोट। फिर हम लोग अगर बॉडी पे आए तो बॉडी में डिस्पाइट ऑफ क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्रिटिसिज्म पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देने के बाद हम लोग को थोड़ा सा छोटा सा क्रिटिसिज्म हमेशा हर एक क्वेश्चन में एडअप करना चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल कि आपका जो भी क्रिटिसिज्म है अगर वो स्कॉलरली क्रिटिसिज्म हो तो ज़्यादा अच्छा है। एट दी एंड अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस योर आंसर। अगर आपने क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया हो, अगर आप किसी भी आइडियोलॉजी या किसी भी थियरी या किसी भी प्रैक्टिकल फैक्ट का अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ पॉजिटिव्स
कुछ नेगेटिव्स अपने बॉडी में लिखिए और कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दीजिए, और कंक्लूजन एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं आप उसको कंसिडरेशन में नहीं लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में एक आंसर लिख रहे हैं, तो इंडो पाकिस्तान रिलेशंस में कंक्लूजन में आप जाके लिखें दैट येस द कंडीशन इज़ वेरी पैथेटिक एंड वी नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डील विथ दिस क्राइसिस। और इसके अलावा आप कुछ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव डालने की कोशिश करिए अगेन इन दी कंक्लूजन। थियरी जो हम लोगों ने पेपर टू के सेक्शन ए में पढ़ा है, उतने थियरीज काफ़ी होते हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग उन थियरीज को यूज़ नहीं कर पाते हैं अपने आंसर में। तो अपने आंसर को जीएस से अलग बनाने के लिए बस यही एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ती है डैट आपको एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से लिखना पड़ता है। और अगर शुरू में वो चीज़ ना समझ में आए तो आपको इसीलिए ये सोर्सेज बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो वेबसाइट्स हैं ORF, IDSA, इन वेबसाइट्स का फ़ायदा यही होता है कि जब आप अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि आप सारे के सारे आर्टिकल्स जो लिखा जा रहा है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से उसको रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। सो अगर आप ये करने में सक्षम हो गए, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि अगर आपको मेहनत करना है फिर तो चीज़ों को रिवाइज करने में करिए। और कम से कम मेरे हिसाब से UPSC मेंस देने से पहले सिलेबस को 3 बार एटलीस्ट, दिस इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रिवीजन जो सारे कैंडिडेट्स को करना चाहिए। दिस वाज ऑल माय फ्रॉम माय पार्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड IR ऑप्शनल। दिस वाज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। और इसके आगे मैं कुछ और एड ऑन देना चाहूँगा, कुछ जनरल पॉइंट्स जो सारे के सारे कैंडिडेट्स फेस करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। पहला डाउट उसमें से ये है कि अगर कोई चीज़ छूट जाए, अगर हम लोग कोई चीज़ पढ़ नहीं पाए एग्जामिनेशन के पहले, तो क्या उससे नुकसान होगा। नाउ UPSC का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि हम लोग को नहीं पता दैट कौन सा पार्ट कहाँ पे आ जाए। सो इसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी यही है कि आप अपनी जो रीडिंग है उसको ब्रॉड रखें, जितना हो सके उतना ब्रॉड रखें। नाउ किसी भी चीज़ के वर्टिकल डेप्थ में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन आपके नॉलेज का बहुत वाइड होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर इसके अलावा भी आप कोई क्वेश्चन कर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उतना उस क्वेश्चन के बारे में, सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस यहीं पे आता है। इफ़ यू हैव प्रैक्टिस एनफ, तो धीरे धीरे आपको जो क्वेश्चंस में कम आता है उसके बारे में भी लिखने की आदत हो जाती है। सो अगर आप कोई क्वेश्चन डील कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा तो पता ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले साल मेंस में एक क्वेश्चन आया था जिसका आइडिया मुझे कम था थोड़ा। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ऑन द कोर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। सो अब मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछता क्या जा रहा है, तो मैंने थोड़ा एक मिनट ध्यान दिया और क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। देन आई रियलाइज कि इसमें दो चीज़ पूछे गए हैं, एक तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में और दूसरा भक्ति मूवमेंट के बारे में। सो मैंने दोनों के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखा, फिर मैंने ये देखा कि दोनों के फीचर्स थोड़े थोड़े अलग से हैं। सो नाउ आई रियलाइज कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा था। दैट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड दैट श्री चैतन्य महाप्रभु के चलते क्या क्या चेंजेस आए भक्ति मूवमेंट में। तो दोनों में जो भी चीज़ें, जो भी फैक्टर्स टैली नहीं कर रहे थे, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वही सारे चेंजेस आए होंगे। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कैंडिडेट्स कई बार पूछते हैं, जैसे हैंडराइटिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। हैंडराइटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर कोई चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है तो दैट इज़ योर प्रेजेंटेशन। सो हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी ना हो, मगर आपका प्रेजेंटेशन आपके हाथ में है। सो प्रेजेंटेशन पे हमेशा ध्यान देना है। और अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में कम आ रहा हो, या फिर कई बार होता है कि टाइम की स्केर्सिटी हो, तो इस केस में इंस्टेड ऑफ राइटिंग पूरा का पूरा क्वेश्चन, आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा डायग्राम या ग्राफिकल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा और मार्क्स ऐसा नहीं है कि उसके चलते बहुत ज़्यादा वैरी करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, UPSC में 3 घंटे में अराउंड 20 क्वेश्चंस करने रहते हैं, जिसमें कम से कम 3.5 से 4 हज़ार वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।